सवाल है जी, इमाम मेहदी का जहूर कब होगा, इमाम मेहदी कौन हैं और कब दुनिया में आएंगे, तफसील से बता दें। देखें, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से मिलता है वो इतनी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसब में हज़रत महदी होंगे, उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, कुरैश में से होंगे, और जिस दौर में आएंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के बाद फौरन नाजिल होंगे, उस दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त होंगी, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी। और हज़रत महदी दमिश्क में मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के दमिश्क के मीनार पे उतरेंगे, फिर वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आएंगे क्योंकि दारुल असबाब में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, वो इनकार करेंगे। हज़रत महदी की इख्तदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर दोनों की इख्तदा में जिहाद होगा। तो मुजाहिदीन के इमाम होंगे हज़रत महदी, इतनी बात हमें मालूम होती है। चंद बातें और हैं रिवायात में जो मिलती हैं, ये हमें डेट नहीं बताई गई है, सन नहीं बताया गया, साल नहीं बताया गया। इस बारे में सदियों से लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ सन में आएंगे, फ़लाँ सन में आएंगे, बड़े बड़े लोगों ने पेशगोइयाँ की है जो 100% गलत साबित हुई हैं। तो अब भी लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि 2025 में आएंगे, कोई कह रहा है 2030 में आएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुबहम रखा है, सहाबा ने मुबहम रखा, ना सहाबा ने नबी से तारीख पूछी, ना महीना पूछा और ना नबी ने बताया। और ऐसी चीज़ों में इस्लाम उसको मुजमल ही रखता है क्योंकि वो महीना आता और उस महीने में कोई भी उठ के मेहदी का दावा कर देता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती ना। इसलिए हमें इस पर मुबहम ईमान ज़रूरी है, मुजमल ईमान ज़रूरी है। मुबहम तो नहीं कहेंगे, मुजमल। मुजमल का मतलब तफसील हमें मालूम नहीं है, बस हमें पता है कि एक वक्त आने वाला है क़ुर्ब क़यामत में कि हदीस में आता है खुरासान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह उसको फतह अता फरमाएंगे। हदीस में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तिहाई मुजाहिदीन उसमें जो लड़ने वाले होंगे वो शहीद हो जाएंगे, जो उस वक्त के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे, और एक तिहाई मुजाहिदीन वो होंगे जो लड़ाई की शिद्दत और सख्ती की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा, और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह दुनिया पर गलबा अता करेगा, कुफ्र पर गलबा अता करेगा। तो ये उस वक्त फिर हज़रत महदी की क़ियादत में जिहाद होगा और पूरी दुनिया में अमन क़ायम हो जाएगा। हज़रत ईसा इब्ने मरियम भी उसी वक्त नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। और एक और दफ़ा, यानी एक दफ़ा तो इस्लाम दुनिया में गालिब आ चुका है, तो एक और दफ़ा इस्लाम हज़रत महदी हज़रत ईसा इब्ने मरियम के ज़रिए पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा और हर तरफ खैर ही खैर होगी। जजिए का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला अपनी बरकतों को खोल देगा, आसमान की बरकतें, खूब बारिशें बरसेंगी। एक रिवायत में आता है, तिर्मिज़ी की रिवायत है, इतने बड़े बड़े अनार पैदा होंगे कि उसके छिलके को लोग साहिबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एक एक अंगूर का दाना कई लोग नचोड़ के पियेंगे। यानी बरकतें अल्लाह की तरफ से ऐसी खुल जाएंगी, तो पूरी दुनिया में अमन होगा। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या थी? कुरान में आता है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि आप दीन को पूरी दुनिया में गालिब कर दें। तो एक दफ़ा तो ये बनू उमैया के दौर में, बनू अब्बास और फिर खिलाफत उस्मानिया, ये जो मुसलमानों की खिलाफतें चली हैं, तो बनू उमैया और बनू अब्बास के दौर में तो इस्लाम फैल गया था पूरी दुनिया, जितनी भी महज़ब दुनिया थी उसमें इस्लाम ही इस्लाम था, यानी इस्लामी हुकूमत थी। सब मुसलमान नहीं थे लेकिन हुकूमत इस्लामी थी, सब मुसलमानों के ज़ेरे से आया थे। तो अल्लाह ताला अब पूरी दुनिया में कैफियत के लिहाज से, कमियत के लिहाज से, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों लिहाज से इस्लाम को दुनिया में गालिब करेगा। उसके लिए अल्लाह ने हज़रत महदी और हज़रत ईसा इब्ने मरियम का इंतखाब किया है, इतना हमारा ईमान है। अब क्या होता है कि हर थोड़े दिन में कोई कोई मेहदी उठ के दावा शुरू कर देता है, और तो इमाम मेहदी सबसे पहली बात ये मुजाहिद होंगे, बड़ी अहम तरीन बात यह है, और उन्हीं के फौरन उन्हीं के दौर में हज़रत ईसा इब्ने मरियम भी नाजिल होंगे, तो और दज्जाल भी ज़ाहिर होगा। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए इनको पहचानने में अहले इस्लाम को दुश्वारी नहीं होगी। हज़रत महदी को तो लोग ख़ुद तलाश करेंगे, उनकी अलामतों में से ये भी है, वो दावा नहीं करेंगे, लोग अहलुल्लाह बुज़ुर्गान दीन उलमा उनको ख़ुद तलाश करेंगे। आज लोग ख़ुद दावा कर रहे होते हैं हज़रत महदी हैं, मैं हज़रत महदी हूँ, तो वो दावा जो करेगा इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए हमें इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए इस सेंस में कि ख़त्म कर देना चाहिए कि जो दावे कर रहे हैं ना कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फलां सन में आ रहे हैं, इस सेंस में इस टॉपिक को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, जितना अहदीस में है उसको बयान करना चाहिए। और जो लोग भी खिलाफ सुन्नत होते हैं वो तो हजरत महदी हो ही नहीं सकते। आज तो मेहदी होने का दावा ऐसे ऐसे पागल फजूल किस्म के लोग कर रहे हैं, जो इंसान होने का दावा करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम इंसान के बच्चे भी हैं कि नहीं। अच्छा, ये भी इन्होंने पूछा है कि क्या इमाम मेहदी नबी होंगे, इमाम मेहदी नबी होंगे या सहाबी, इस बारे में वजाहत फरमा दें। ना वो नबी होंगे ना सहाबी होंगे, क्योंकि सहाबी तो वो होते हैं जिन्होंने इसी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो। हजरत महदी और नबी का ज़माना तो सदियों का फासला है उसके दरमियान। तो ना तो नबी होंगे ना सहाबी होंगे, नेक होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, बस महदी का माना हिदायत याफ्ता, सीधे रास्ते पर होंगे।